ये कहानी 1984 कर्नाटक के एक छोटे से शहर की है। शहर में कई दिनों से काफी हलचल मची हुई थी। रोज रात में शहर का कोई ना कोई मर्द घर से गायब हो रहा था। ये खबर सुनकर वेंकट नाम का एक रिपोर्टर उस शहर में पहुंचा। शाम के कुछ 6 ही बजे होंगे, पर शहर के लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद करके घर लौट रहे थे। वेंकट ने देखा कि हर घर के बाहर कन्नड़ा में नालेबा यानी कल आना ऐसा लिखा है। उसने वहां एक पुजारी को रोक के पूछा कि शहर में ये सब क्या हो रहा है। उस पुजारी ने उसे बताया कि शहर में एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल घूम रही है। वो रोज रात में घर घर जाके जोर से दरवाजा खटखटाती। और घर के अंदर जो भी मर्द है उसका नाम पुकारती है। कोई भी आदमी उसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पाता। और दरवाजा खोल देता है। कहते हैं वो चुड़ैल उसे अपने वश में करके कहीं दूर ले जाती है और मार देती है। इसीलिए शहर के लोगों ने उससे बचने के लिए घर के बाहर नालेबा लिखना शुरू किया, जिसे पढ़ के वो आज नहीं बल्कि कल आए। और यही सिलसिला जारी रहे। इतना कहकर वो पुजारी जल्दी जल्दी अपने घर के रास्ते चला गया। वेंकट को कल के अखबार के लिए अच्छी कहानी तो मिल गई, पर कुछ ही दूर जाते ही उसका स्कूटर पंक्चर हो गया। अंधेरा हो चुका था और सब लोग अपने घर के अंदर जा चुके थे। अचानक से वेंकट को लगा कि उसके आसपास कोई है, तो वो स्कूटर लिए तेजी से आगे चलने लगा। किसी ने बहुत ही मधुर आवाज में उसका नाम पुकारा, वेंकट, वेंकट। वेंकट ने जैसे ही स्कूटर के शीशे की ओर देखा, वो स्कूटर वहीं छोड़ के बहुत तेजी से आगे भागा। वो एक छोटे से मकान में जाके छिप गया और दरवाजा अंदर से कस के बंद कर लिया। दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगी और उसे अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। वेंकट बुरी तरह डरा हुआ था। कुछ देर बाद जब सारी आवाजें शांत हुई तो उसने बहुत हिम्मत करके दरवाजा खोला। तो वहां कोई नहीं था, पर फिर सुबह हुई तो वेंकट उसी घर में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। वो दिन था और आज का दिन है। वेंकट को कभी समझ नहीं आया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ। शहर के लोगों ने कहा कि वो शहर का नहीं है, शायद इसीलिए बच गया। कुछ महीनों बाद उस चुड़ैल का कोई किस्सा सुनने में नहीं आया। आज भी उस शहर के लोगों ने अपने घर के बाहर नालेबा यानी कल आना ऐसा लिखा है। फिल्म स्त्री इसी सच्ची कहानी पर आधारित है। सब्सक्राइब करिए।